नमस्ते जूलेट आशिदलिक, स्वागत है आप सभी का ट्राइबल गर्ल में। और जी हाँ, हम इस वक्त हैं लद्दाख के फ्यंग विलेज में और अभी इस वक्त हम हैं हयाल में, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे लेह से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रहा है जिसका नाम है सन एंड अर्थ फेस्टिवल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ हयाल के कैंपस में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है इको फ्रेंडली तरीके से जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। आप मेरे पीछे सोलर पैनल देख सकते हैं। तो आज जो इस वर्कशॉप का तीसरा दिन है, तो लगभग 10 दिनों का ये जो वर्कशॉप है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस वर्कशॉप के बारे में। तो आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ हैं श्री सोनम वांगचुक जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत करना चाहूँगी दोबारा ट्राइबल गर्ल में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत और स्वागत है आपका भी यहाँ। धन्यवाद सर। तो अभी इस वक्त हम हैं लद्दाख के हयाल में। हयाल के बारे में आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर सन एंड अर्थ फेस्टिवल हो रहा है, तो सर मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा इस फेस्टिवल के बारे में सर। जी जी जी, पहले तो हयाल जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो हिमालयी या पहाड़ों में विकल्प प्रगति के हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, जो दिल्ली मुंबई लंदन में चलता है उससे हिमालय में काम नहीं चलेगा, तो कुछ विकल्प होने चाहिए अलग, अपना तरीका पहाड़ों का, तो उसके बारे में अध्ययन है। अध्ययन यहाँ चलते रहता है साल भर, मगर फिर साल में एक बार हम कोशिश करते हैं जो हमने सीखा पाया खोजा वो देश और दुनिया के साथ भी बांटें। तो एक महोत्सव सा फेस्टिवल कहते हैं, मगर इसमें काफ़ी सीरियस क्लासेस लगते हैं, क्लासेस कक्षा में बैठ के नहीं, फील्ड में करके सीखने का। कहीं आप देखेंगे अलग अलग तरह के घर बनाने के तरीके, वो कैसे करते हैं उसको करके सीखें, कहीं घर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा कहाँ से आए, क्योंकि हो क्या रहा है हिमालय और पर्वत सब ठंडे प्रदेश हैं, तो सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है, और हम प्रगति के नाम पे विकास के नाम पे कुछ भी बनाए जा रहे हैं, दिल्ली से नकल करके सीमेंट के घर बनाते हैं, तो वहीं पर गलती हो गई सामग्री का, निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने गलत लिया, सीमेंट लिया उसका बनाया, और फिर उसमें इतनी ठंड होती है कि फिर सर्दियों में दूसरी गलती करना पड़ता है, आग जलाओ और जलाओ और जलाओ, फिर भी ये सीमेंट के घर गर्म नहीं होते हैं। तो उससे अच्छा है हमारे अपने हिमालय के विकल्प जो हैं, या जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला, या और हिमालय या और पर्वतीय लोगों से हम सीख सकें, जैसे घर बनाते समय हमारे पुराने ज़माने से चलता आ रहा है मिट्टी के घर बनाना, वो बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई कमी नहीं थी, हम प्रगति विकास के नाम पर उसको फेंक के सीमेंट ले रहे हैं जो कि महंगा है और अच्छा भी नहीं है यहाँ के पर्यावरण के लिए। तो हम मिट्टी जो कि ज़मीन में पैरों के नीचे है उसी से कैसे घर बनाएं और बहुत सुंदर और आधुनिक घर बनाएं, उसके तकनीक बहुत सारे हैं, जैसे रैमडर थे कूट कूट के बनाते हैं, एडोबी है कच्चे ईंटों से बनाते हैं, ऐसे ही बहुत और तकनीकें हैं, तो या फिर उसके बाद प्लास्टर का लेप कैसे करते हैं हम, या बिना लकड़ी के बिना छत के वॉल्ट नूबियन वॉल्ट वो कैसे बनाएं ताकि आपका ऐसा गोलाकार का घर बने कि उसको बल्ली या लोहे के टीन के छत ज़रूरत ही नहीं हो, ये सब सीख रहे हैं। तो इन सब को सीखने से जो सीखेगा वो औरों को लोगों को सिखाए, तो लोग अपने ही मिट्टी से अपने ही हाथों से घर बनाएं, तो किसी पर आपको निर्भर होना ही नहीं पड़ेगा, कहीं से लोन लेना नहीं पड़ेगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा, क्योंकि मिट्टी के घरों में सबसे अच्छी स्वास्थ्य रहता है ऐसा कहते हैं। तो मिट्टी के घर कैसे बनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, अलग अलग तकनीक लोग सिखाते हैं यहाँ पर, जो एक्सपर्ट्स हैं वो लद्दाख से भी हैं, भारत से हैं और विदेशों से भी आए हैं, सब एक दूसरे से बांट रहे हैं। उसी तरह उसके बाद का जो है, एक तो इस फेस्टिवल महोत्सव को ही सन एंड अर्थ बोलते हैं, सूर्य और धरती या मिट्टी, सूरज और माटी की महोत्सव, तो माटी से तो घर बनाएंगे सीखेंगे, उसके बाद उसे गर्म कैसे रखना है वो सूरज से कैसे रखें, सोलर हीटिंग से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लकड़ी जलाएं, तेल जलाएं, कोयला जलाएं, खुद को भी हानि करें, पैसे ख़त्म और कुदरत को प्रकृति को भी, तो धूप से कैसे गर्म रखें उसका भी एक विज्ञान है,
वो सीखें, सोलर हीटिंग के ज्ञान को, जो गर्म इलाकों से है वो ठंडा कैसे रखें, वो सब करने के लिए ये महोत्सव है, फेस्टिवल। हाँ जी सर, तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर जैसे हयाल में बहुत सारे फेस्टिवल्स जैसे सर ने बताया होते रहते हैं, जो हम सबको एक मौका प्रदान करते हैं कि हम यहाँ पर आके सीखें, और यहाँ पर मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो सर एक प्रश्न है जो मुझे लगता है कि सर, जैसे हमारे पहले किन्नौर में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के घर बनते थे हमारे, क्योंकि थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है तो मिट्टी हम प्लास्टिक अंदर से करते थे, तो अब धीरे धीरे लोग उसमें सीमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। तो सर हम किस तरह से, मतलब बाहर जैसे हमारे को ये होता है कि हम अगर मिट्टी के घर बना रहे हैं तो वो बारिश से ख़राब हो जाएंगे, तो सर ऐसे कौन से तकनीक है जिससे कि हम मिट्टी के घर भी बनाएं और वो बारिश से ख़राब भी ना हो? तो बहुत सारे तकनीक हैं, जैसे पहले पुराने घरों को देखें तो बाहर के प्लास्टर में आप उंगलियों के निशान देखेंगे, वो भी बारिश से दीवार को बचाती है, क्योंकि वो जो उसका खुरदरापन है वो बारिश के गति को रोक देता है और उतना नुकसान नहीं करेगी। या फिर चूने का लेप करते हैं, चूना करते हैं, वो भी दीवार को बचाती है। या फिर जो छत हैं उनमें थोड़ा और परिवर्तन आ सकता है, छत थोड़े बाहर जाएं, भवन के बराबर डब्बे की तरह ना हो के एक डेढ़ फुट बाहर जाएं, तो छत से भवन को रोका, छुपाया जा सकता है बारिश से, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके हैं, सिर्फ सीमेंट अकेला नहीं है। और अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो जो मिट्टी के प्लास्टर हैं उसमें आप 5%, मतलब 20 में 1 जितना सीमेंट मिला भी दें तो भी वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो सीमेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत पड़े तो चुटकी भर टाइप का 19 में 1 करके करें, वरना बिना किए भी। ज़्यादातर हमारे जो सूखे पहाड़ हैं, हाँ, लाहौल स्पीति, लद्दाख, इनमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बहुत बारिश पड़े तो ऐसे तरीके कर सकते हैं। हाँ जी सर, हमारे बीच में आजकल मैंने देखा, जैसे लद्दाख में भी गई, किन्नौर में भी गई, स्पीति में भी गई, तो किसी का घर मिट्टी का होता है तो वो बहुत लो फील करते हैं कि मेरा घर मिट्टी का है, तो उनको लगता है कि मेरा घर मिट्टी का है तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं सर। ये सब दिमाग में है, ये सब दिमाग में है। मैं कैलिफोर्निया गया था, कैलिफोर्निया, और वहाँ पर लोग बड़े चाव से मिट्टी के घर बना रहे थे, रैम्ड अर्थ के, मिट्टी के। तो जो बना रहे थे, गुरु थे, उनसे पूछा कि यहाँ पर मैंने सुना कि अमीर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, हमारे वहाँ तो गरीब रहते हैं। तो उन्होंने कहा गलत, नहीं सही है, अमीर लोग नहीं रह पाएंगे, उनके पास उतना पैसा नहीं है, ये तो सिर्फ अमीरों में से अमीर जो हैं, सुपर रिच, वही रह पाएंगे मिट्टी के घरों। तो वहाँ पर मिट्टी के घर को सुपर लग्जरी माना जाता है, जिसको कि मतलब रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज़ है बोलते हैं ना, उसी तरह मिट्टी का घर है हमारा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के घर बहुत महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर हाथों की बहुत कीमत है, मजदूरी की। तो वो कितना पैसा खर्च करके हाथों से मिट्टी का बना के उसे गहने की तरह गर्व से कहते हैं मेरा घर मिट्टी का है। हमारे यहाँ सबके पास हाथ है, वक्त है, खुद अपना बना सकते हैं, तो हम उसे छोटा समझ रहे हैं। ये हमारे दिमाग में है, अब हमें समझ आना चाहिए कि मिट्टी के घरों में बहुत वैज्ञानिक खूबियाँ हैं। जैसे इसमें नमी ज़्यादा हो तो वो सोख लेगी, नमी कम हो तो वो दे देगी, ठंड बाहर बहुत है तो वो रोक लेगी, अंदर गर्मी है तो वो शीतल कर देगी, तो हर चीज़ के साथ वो चल सकता है। ये खूबियाँ सीमेंट में नहीं है, हाँ, ये सांस लेती हुई दीवारें कहते हैं मिट्टी के। सीमेंट तो आपका जो अंदर है वही रहेगा, आर पार नहीं होता है नमी या हवा। तो इसलिए मिट्टी के घर को दुनिया में बहुत इसका जश्न मनाया जाता है। वही हम चाहते हैं यहाँ सन एंड अर्थ फेस्टिवल में भी, कि लोगों को शिक्षित करें कि मिट्टी को गर्व से कहो मैं मिट्टी के घर में रहता हूँ, और सीखो, ये आप लोग भी सीख सकते हैं। इस साल तो यहाँ आजकल हो रहा है, मगर अगले साल जुलाई अगस्त में अगर आप पता करें तो हयाल में फिर एक सन एंड अर्थ फेस्टिवल हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साइड से दो करना है, और ये हमारे मैम स्पीति से आई हैं स्पेशली हमारे को यहाँ पर मड प्लास्टिंग सिखाने के लिए। तो अभी स्पीति का सॉइल तो थोड़ा अलग है यहाँ लद्दाख के सॉइल से, तो मैम अभी बताएंगे आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं हम आगे? ये सॉइल दो प्रकार के मिट्टी होते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तो इसका प्लास्टर, इसको बोलते हैं हम जूशल,
जूशल जूशल स्पीति में स्पीति में जूशल बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। अच्छा, ये जो पीछे वॉल दिख रहे हैं आप, तो ये अभी सारे स्टूडेंट्स ने, मैम ने, हम सब ने मिल के किया है। तो अभी थोड़ा आपको दिखाएंगे कैसे किया है हमने, किस तरह से हमारा ट्रेडिशनल स्पीति मेथड है ना मैम। जी जी जी। पहले सबसे पहले वॉल में हम पानी लगाएंगे। तो स्पीति और मतलब पूरे मतलब लाहौल में भी किया जाता है ये मड ब्लास्टिंग, हमारे किन्नौर में भी किया जाता है, पर थोड़ा तरीका अलग है। हाँ, हम लोग अंदर से करते हैं। हमारे भी अंदर भी होते हैं, बाहर भी होता है। अंदर बिल्कुल सीधे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल करके प्लेन करके बनाते हैं, और ये बाहर का इस तरह से बनाते हैं। तो अभी ये जो बाहर की वॉल में कर रहे हैं हम लोग। जी अच्छा अच्छा, उंगली का शेप आने चाहिए। अच्छा, उंगली का ऐसे कैसे घुमा। अच्छा जी जी। तो ये जो निशान निकालने का ये जो पैटर्न आपने देखा ना, ऐसे हम निकाल रहे निशान, तो इसका मकसद वही है जैसे सोनम सर ने, हमने बात की थी सोनम सर ने, तो सर ने बताया था कि ये इसीलिए होता है ताकि डायरेक्टली जो है बारिश इनके ऊपर ना गिरे। हाँ, तो एकदम से आप मतलब आपका जो वॉल है वो ज़्यादा गीली नहीं होगी। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ही साइंटिफिक थे, किस तरह से वो काम करते थे, और आज भी हम उन्हीं के मेथड को अपना रहे हैं। स्पीति में तो बहुत ये नॉर्मल है आजकल ये मड ब्लास्टिंग, और हमारे लोबजंग मैम काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप्स भी कराते हैं। हर जगह पे मिट्टी का प्लास्टर और मिट्टी का घर बनाना चाहिए, क्योंकि कॉन्क्रीट हमें इतना फ़ायदा नहीं रहता है जैसे मिट्टी का घर, बहुत हमारे लिए फ़ायदा है। कंक्रीट का घर तो वैसे चले गए नहीं, एक 100 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। मिट्टी हम जितने भी यूज़ कर सकते हैं, हज़ारों सालों तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे हमारे माने विलेज में है एक छोटा सा मंदिर, वो भी अच्छा, बहुत पुराना है। हाँ। और उसका जो अंदर बनाया वो भी मूर्तियाँ है। अच्छा, अच्छा। वो भी मिट्टी का बनाया हुआ है। अच्छा। और एक हमारे जो घर है, पुराने पुराने घर, 300 साल से पुराना। अच्छा। तीन जनरेशन हो गई शायद। अच्छा, 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 अच्छा। वो भी अभी भी क्रैक पड़ा हुआ है, बट ऐसा गिरने को है पर भी नहीं गिर रहे। मैंने देखा, जब से मैंने देखा तब से गिर ही नहीं रहे, मतलब इतना मजबूत है मिट्टी का घर। तो मिट्टी के घरों के फायदे तो आपने जाने, और साथ में हम मिले लोबजंग मैम जो कि हमारे स्पीति के हैं, स्पीति के माने गांव से हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है माने। मिट्टी के बने ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये हयाल द्वारा बनाए गए हैं, और इसके बिल्डिंग के अंदर का टूर करने के लिए आप मेरी पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सोनम वांगचुक सर ने खुद ने अंदर से टूर कराया था, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी हमारे साथ है मिस नीतिका जी। तो नीतिका जी जो है हमारे किन्नौर से हैं, और किन्नौर के नेसंग गांव से हैं। चले, और बताना चाहूँगी हमारी जो नीतिका नेगी जी है वो यहाँ हयाल में सीनियर आर्किटेक्ट के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक और आधा साल हो गया है यहाँ पे आके, तो मतलब जितना भी सोनम वांगचुक सर और गीतांजलि मैम के साथ काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि किन्नौर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस पर कैसे हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे आजकल आप किन्नौर में देख रहे होंगे बहुत सारे गांव जो हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी हफाजार्डली डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे कॉन्क्रीट जंगल्स बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि बायलॉज कैसे होने चाहिए, नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, हम कैसे अपने रिसोर्सेज को मतलब मीनिंगफुली यूज़ कर सकें, वो सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो एज अ यूथ आई थिंक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उनको अवेयर करूँ, मतलब अभी तो मैं सीख रही हूँ, बट वन डे आई थिंक कि आई गो बैक, मैं वहाँ पे जाके किन्नौर में जाके ये अवेयरनेस जो मेरे नॉलेज है यहाँ से जो गेन किया है मैंने, आई टेक इट बैक एंड मतलब कम्युनिटी को किसी वे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो बहुत बढ़िया, हमारे किन्नौर से यहाँ लद्दाख के, वो भी हयाल में, और वो भी इतना अच्छा काम इनका हमने देखा यहाँ पे। तो हम नीतिका से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमारे किन्नौर में आए, और हमारे जितने किन्नौर के जो यूथ अभी देख रहे हैं तो वो भी इनसे इंस्पायर होंगे और यहाँ पर आए और यहाँ से कुछ सीख के जाए, ताकि हम अपने किन्नौर के लिए, हम अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसा नीतिका ने बताया, तो वैसा हम कुछ गिव बैक कर सकें। तो अभी हमारे साथ हैं मिस्टर यशवंत नेगी जी। हेलो। जो कि हमारे लिप्पा गांव के रहने वाले, किन्नौर के रहने वाले, तो आप थोड़ा बताइए अभी आप यहाँ पे हयाल में क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं किन्नौर के लिप्पा गांव से
वो ताल्लुक रखता हूँ, और अभी मैं हयाल में एज अ फेलो ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे अराउंड 3 मंथ्स हो गए। तो मैंने ईआरबी कोर्स के लिए ज्वाइन किया हुआ है, जो ईआरबी कोर्स में ज़्यादातर जो हमें बताते हैं कि पीएसएच बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, तो हयाल के कॉन्टेक्स्ट में रहके, और हयाल और किन्नौर का थोड़ा जियोग्राफिकल काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, तो वहाँ पे भी कोल्ड विंटर्स होते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे ये चीज़ें समझने में काफ़ी रुचि था, तो मैं यहाँ आया हूँ। हयाल बहुत शानदार जगह है, हमें यहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, ज़्यादातर अर्थ के रिगार्डिंग, तो अर्थ में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे स्ट्रोक ले के ब्रिक्स कैसे बनते हैं, स्ट्रोक ले का अपना अलग प्रॉपर्टीज़ होता है, जो वो इंसुलेटिक होते हैं, और हम एडोबी ब्रिक्स के बारे में जाने, और रेमडर्स के बारे में। प्रेजेंटली यहाँ पे 4 स्कूल्स है, एक है एनर्जी का, दूसरा है अर्दन बिल्डिंग का जिसे हम इको रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग कहते हैं, तीसरा है टूरिज्म का, और चौथा है हमारा इकोलॉजी का, इकोलॉजी में जो हम आइस तूपा वगैरह प्लांटेशन वगैरह ये चीज़ें करते हैं, और यही है यहाँ पे। बाकी बढ़िया, बाकी बहुत अच्छा लगा यशवंत नेगी के विचार जानकर, और हम यही आशा करेंगे जैसे हमारे किन्नौर से यहाँ पर हमने पहले नीतिका जी से मिले और उसके बाद यशवंत जी से मिले, तो ये जो हमारी यूथ, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो किन्नौर में आके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, और हमारी किन्नौर को भी जैसे लद्दाख की तरह, जैसे हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी सब कुछ यूज़ करके जैसे हम बिल्डिंग्स बना रहे, तो उसी तरह हम किन्नौर में भी उन्नति करें, तो यही आशा रखते हैं। तो आप सभी ने इस वीडियो में देखा और साथ में जाना हमारा जो हयाल है किस तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से यहाँ पर इमारतें बना रहा है, और ये जो हयाल है हम सबको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग यहाँ पर आएँ और जाने करीब से किस तरह से हम भी जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।